वेलकम टू वॉर ट्रेवल्स गाइस, मैं हूँ सबर और आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ वो है कैसे आप पोस्ट ऑफिस से पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो, क्या उसका प्रोसेस रहेगा, क्या उसके लिए डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो पूरा हम इस डिटेल्स में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, मैंने देखा है कि पासपोर्ट ऑफिस हर किसी के नज़दीक नहीं होता है, बहुत दूर दूर रहते हैं। जैसे किसी का 400 किलोमीटर है, किसी का 500 किलोमीटर है, तो काफ़ी दूर दूर पासपोर्ट ऑफिस, जो मेन पासपोर्ट ऑफिस होता है वो काफ़ी दूर होता है। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट ने ये चीज़ को एड्रेस किया और उसके बाद में उन्हें एक ऐसा सोल्यूशन निकाला कि जिससे जो भी आपके नियर बाय पोस्ट ऑफिस है उसमें कुछ लिमिटेड पोस्ट ऑफिस है, ऐसा नहीं है कि हर कोई पासपोर्ट ऑफिस रहेगा, बट कुछ ऐसे लिमिटेड पासपोर्ट ऑफिस को उन्हें जो है असाइन किया ये पासपोर्ट का प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए। तो ऑब्वियसली हम देखते हैं, क्योंकि हमारे पास में इतना टाइम नहीं है जो 400 किलोमीटर जाए 500 किलोमीटर जाए, तो हम हमेशा यही देखते हैं कि नियर बाय कौन सा प्लेस है जहाँ पर मैं पासपोर्ट बना सकता हूँ। तो इस वीडियो में आप जानोगे कैसे आप पासपोर्ट बना सकते हो, क्या उसके लिए डॉक्यूमेंट लगेंगे, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चाहे तो आपका जो भाई का चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं पासपोर्ट रिलेटेड, वीज़ा रिलेटेड और ट्रैवल से सारे रिलेटेड चीज़ें। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, पोस्ट ऑफिस से अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जो है गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहाँ पे जाना है। जो वेबसाइट का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बट हाँ अभी जाके वो वीडियो मत देखना, क्योंकि यहाँ पे पहले पूरा इन्फॉर्मेशन ले लो, उसके बाद में आपको लिंक पे जाना है और वहाँ पे आपको जो है आपका फॉर्म भरना है। याद रखो, कोई और वेबसाइट से फॉर्म मत भरना, क्योंकि बहुत सारे फेक वेबसाइट है मार्केट में जो आपको 1,500 की जगह 2,000 या 3,000 रुपये चार्ज लेते हैं आपका फॉर्म भर के, और आपका फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। तो सेम पासपोर्ट से रिलेटेड सेम वर्ड के साथ में पासपोर्ट की वेबसाइट है, वो वेबसाइट पे जाके मत करना, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ वहीं पे जाके आपको आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करना है। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हो उसके बाद में आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट पेमेंट करके बुक करना है। तो बुक करने के लिए पहले आपको 1500 रुपीज़ पे करना है, जो भी गवर्नमेंट फीस होता है। अगर आप अडल्ट हो, आपका एज 15 एंड अबव है, गवर्नमेंट के जो पासपोर्ट का सिस्टम है उसमें 15 एंड अबव अगर आपका एज है तो आपको 10 साल का पासपोर्ट मिलेगा, तो वो अडल्ट में ही कंसीडर होता है। तो अगर आपका 15 साल के ऊपर एज है तो आपको 1500 रुपये भरना है, और 15 साल के नीचे अगर आपका एज है तो आपको जो है 1000 रुपये का फ़ीस भरना है, या आप आपके बच्चे के लिए कर रहे हो तो 1000 रुपीज़ फ़ीस आपको भरना है। जैसे ही आप फीस वगैरह पे करते हो, पेमेंट करने के बाद में आपका जो एप्लीकेशन है वो लॉग आउट होता है। बहुत सारे लोगों का ये भी प्रॉब्लम आजकल आ रहा है कि वो पेमेंट कर देते हैं और उनको लगता है कि उनका अपॉइंटमेंट बुक हो गया, बट अपॉइंटमेंट एक्चुअली बुक नहीं होता है, वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली लॉग आउट होता है। फिर से आपको लॉग इन करना है और आपका अपॉइंटमेंट बुक करना है। अपॉइंटमेंट आप जब बुक करने जाते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखते हैं, जिसमें होता है PSK, पासपोर्ट सेवा केंद्र, जो अगर आपके बहुत ज़्यादा दूर है तो पासपोर्ट सेवा केंद्र में आपको वहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना है। सेकंड ऑप्शन आपको मिलेगा RPO, RPO मतलब रीजनल पासपोर्ट ऑफिस, तो यहाँ भी आपको अपॉइंटमेंट बुक नहीं करना है। तीसरा ऑप्शन आपको मिलेगा PSLK, पासपोर्ट सेवा लघु केंद्र, तो ये कुछ कुछ जगह पर ही PSLK है, हर जगह पर हर एक प्लेस पर होगा, ऐसा कंपल्सरी नहीं है। तो ये जो PSLK होता है ये एक पासपोर्ट का छोटा भाई है, मतलब जो मेन पासपोर्ट ऑफिस है उसका छोटा भाई। तो वहाँ पे सेम जैसे पासपोर्ट ऑफिस में रूल्स है फास्ट एप्लीकेशन के, वैसे ही PSLK में होता है, तो वहाँ भी आपको बुक नहीं करना है। और हमारे पास में जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो है POPSK, पासपोर्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र। तो ये जो भी आपके नियरर आता है वो नियरर पासपोर्ट ऑफिस के, इसमें आपको जो भी अपॉइंटमेंट है आपका बुक कर लेना, जो आपको दिखेगा उसी डे में उसी टाइम पे आपको जाना है। आप थोड़ा जल्दी जाओगे आपको ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप अगले दिन जाओगे या पिछले दिन जाओगे वो भी नहीं एक्सेप्ट होगा। तो ये चीज़ याद रखना, मन से कभी भी पासपोर्ट ऑफिस में जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे नहीं जाना है। जैसे ही आपका ये प्रोसेस कंप्लीट होता है, अब आपको प्रिपेयर करना है आपकी फ़ाइल, डॉक्यूमेंट्स का फाइल प्रिपेयर करोगे तभी तो वहाँ पे क्लियरेंस होगा ना। तो यहाँ पे आपको फाइल क्रिएट करना है और फाइल में आपको 3 डॉक्यूमेंट रखना है। 3 डॉक्यूमेंट में आएगा आपका एक एड्रेस प्रूफ, सेकंड हो गया आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ,
और थर्ड है आपका नॉन ईसीआर प्रूफ। तो ये तीन डॉक्यूमेंट का आपको फाइल बनाना है। इससे ज़्यादा अगर आप डॉक्यूमेंट बताओगे तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा डॉक्यूमेंट मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, कहीं नाम कुछ और, कहीं मम्मी का नाम कुछ और, तो इतने सारे झमेले में आपको नहीं पढ़ना है। तीन डॉक्यूमेंट कैसे बनाना है सिंपल बता दो। अगर आप एड्रेस प्रूफ दिखा रहे हो तो एड्रेस प्रूफ में आप दिखा सकते हो आपका आधार कार्ड जिस पे डेट ऑफ बर्थ आपका होना चाहिए, वो ई वेरीफाइड होना चाहिए, मतलब ग्रीन टिक उसके ऊपर होना चाहिए, या फिर जो गवर्नमेंट की तरफ से लंबा वाला आधार कार्ड आता है वो भी चलता है। अगर आपका आधार कार्ड है तो वो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आप आधार कार्ड दे सकते हो या बैंक पासबुक दे सकते हो, गैस का कनेक्शन दे सकते हो, या आप रेंट एग्रीमेंट दे सकते हो, या आप कोई फ़ोन बिल दे सकते हो, कंपनी लेटर हेड दे सकते हो, ऐसे एन नंबर ऑफ ऑप्शंस है, वो आप एड्रेस प्रूफ के लिए दे सकते हो। दूसरा प्रूफ जो आपको लगेगा वो है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। एक बहुत अच्छी बात है कि अब आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो डेट ऑफ बर्थ में आप आपका आधार कार्ड भी दिखा सकते हो, आपका पैन कार्ड भी दिखा सकते हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी दिखा सकते हो, आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी दिखा सकते हो, स्कूल लिविंग भी दिखा सकते हो, पैन कार्ड भी दिखा सकते हो, बहुत सारे अब डेट ऑफ बर्थ में ऑप्शन है। पहले ऐसा नहीं था, पहले आपको स्कूल लिविंग या बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना ही पड़ता था, बट थैंक टू गवर्नमेंट उनने वो चीज़ें जो है बदल दी 2016 में। अब आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया तो आपको दिखाना है थर्ड प्रूफ, जिसे हम बोलते हैं नॉन ईसीआर प्रूफ। नॉन ईसीआर का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जो 10वीं पास या 10th एंड अबव पास होते हैं उनको इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड लगता है, मतलब उनको जो है 10वीं पढ़े लिखे पासपोर्ट है ऐसा करके दिखता है। तो ये अगर आप 10वीं पास हो तो ही ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, 10th हो या 12th हो, वो 10th या 12th का डॉक्यूमेंट आपको उसके साथ लगाना है। 10th का भी चल जाता है, 12th का भी चलता है, और ग्रेजुएशन का भी चलता है। आपका थर्ड इसका अपने फर्स्ट ईयर का सेकेंड ईयर का नहीं चलेगा, डायरेक्टली आपके पास में ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है तो वो दिखाओ, या फिर 10th या 12th का आपको दिखाना है। एक चीज़ याद रखना गाइस, ओपन यूनिवर्सिटी का अगर आपका मार्कशीट है और आपने बना के लिया है कोई मार्कशीट तो 100% ये चीज़ नहीं चलने वाला है, क्योंकि पासपोर्ट ऑफिसर को ये सारी चीज़ें पता रहती है। तो डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट सिस्टम, अगर आपके पास में सही है, जेन्युइन आपने बोर्ड से पास किया है तो ही आपको मार्कशीट दिखाना है। तो ये तीन डॉक्यूमेंट जो है आपको कैरी करना है पासपोर्ट ऑफिस में। तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कंपलसरी, और इसके साथ में आपको लगेगा जेरोक्सेस। तो ये दोनों चीज़ें आपको रखना है, जेरोक्स का 2 सेट आपके पास रखना है। अब कुछ केसेस में ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है ओरिजिनल, जैसे मार्कशीट आपके कॉलेज में जमा है, तो ऐसे टाइम पे आप जो है डिजी लॉकर करके एक ऑप्शन है, गवर्नमेंट का एक एप्लीकेशन है जहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट को जेन्यून और ओरिजिनल माना जाता है। तो अगर आपके पास मार्कशीट नहीं है तो आप डिजी लॉकर पे जाओ, अपने मार्कशीट का नंबर डालो, जेरोक्स अगर आपके पास में है तो आपका मार्कशीट वहाँ पे रिट्रीव हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपके पास में रहता है। अगर आपके पास आधार नहीं है, दिख नहीं रहा, तो डिजी लॉकर पे जाओ, वहाँ पे सर्च करो अपना डॉक्यूमेंट, वो वहाँ पे चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है आप वहाँ पे लेके जाओ। जब आपका डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो जाएगा, डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होने के बाद में आपको जाना है पासपोर्ट ऑफिस, जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट है, जिस दिन आपका जो टाइम है उस दिन। जब आप अपॉइंटमेंट पे जाओगे वहाँ पे सबसे पहले आपको टोकन इशू करेंगे, आपका अपॉइंटमेंट लेटर देखकर, वो टाइम देखकर, वो टाइम पे थोड़ा सा ग्रीटिंग करके उनको अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ, 99% वो चीज़ें आपको एक्सेप्ट करेगी। देन आपका जो मेन प्रोसेस है वो शुरू होगा, जहाँ पे काउंटर नंबर ए पे आपका करेक्शन, आपका फोटोग्राफ, आपका बायोमेट्रिक जो भी है वहाँ पे आपका ए काउंटर पे होगा। ए काउंटर होने के बाद में आपका होगा बी काउंटर पे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, सब कुछ ओके या नहीं, कोई और चीज़ आपने अप्लाई किया या नहीं, ये सब बी काउंटर पे होगा। याद रखो पोस्ट ऑफिस में सारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है, तो यहाँ पे एक काउंटर छूट जाता है आपका, जो होता है सी काउंटर। तो सी काउंटर पोस्ट ऑफिस में नहीं होता है, सी काउंटर जो होता है वो काफ़ी ट्रेन ऑफिसर्स इनको लगते हैं, इसीलिए वो पोस्ट ऑफिस में भी ट्रेन ऑफिसर्स नहीं है पासपोर्ट के लिए। तो जो सी काउंटर है वो ग्रांटिंग ऑफिसर होता है, PSK पासपोर्ट सेवा केंद्र, जो आपसे बहुत दूर है, 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर वहाँ वो प्रोसेस होने वाला है। तो जब आप वहाँ पे प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे, आपका फाइल सबमिट तो हो जाएगा, आपको बोल देंगे आपका हो गया ओके, बट एक्चुअल में वो फाइल उन्हीं के पास रहेगा। कुछ दिनों के बाद में वो आपका फाइल
भेजा जाएगा PSK में, पासपोर्ट सेवा केंद्र में। वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, कुछ टाइम लगेगा, वैसे आप घर पे अभी जा सकते हो। तो वो प्रोसेस होने के बाद में, कुछ दिनों के बाद में, आप अगर आपका स्टेटस पहले चेक करोगे तो आपको देखेगा आपका एप्लीकेशन सबमिट हो गया है विथ फीस एंड चार्जेस। बट जब आपका एप्लीकेशन ग्रांट होगा तो आपका एप्लीकेशन चेंज होकर वहाँ पे दिखेगा कि आपका जो एप्लीकेशन है वो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए इनिशिएट हुआ है। फिर आप जाओगे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए, पुलिस वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट होगा। तो वेरिफिकेशन में जो जो डॉक्यूमेंट है उसका वीडियो भी मैंने ऑलरेडी बनाया, तो वो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। वो वीडियो जो है देखने के बाद में आपको वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। जैसे ही आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है फिर कुछ टाइम और वेट करना है। वेट करने के बाद में कुछ दिनों के बाद आपका जो एप्लीकेशन है वो ग्रांट होगा, फाइनल ग्रांटिंग प्रिंटिंग को जाएगा। प्रिंट होकर आपका जो पासपोर्ट है वो पोस्ट ऑफिस से डिस्पैच होगा। बट एक चीज़ दिमाग में डाल लो, अगर आपको अर्जेंसी है तो पोस्ट ऑफिस से अप्लाई मत करना। अगर आपको अर्जेंसी नहीं है तो पोस्ट ऑफिस से अप्लाई करो, ये मेरा सजेशन रहेगा। क्योंकि पोस्ट ऑफिस में काफ़ी टाइम लगता है, किसी को 2 महीने, किसी को 3 महीने, किसी को 4 महीने भी लग सकते हैं। वो डिपेंड करता है वो पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज कितनी फास्ट है। तो ये था मेरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम काफ़ी डीप इन्फॉर्मेशन देते हैं। और एक चीज़, अभी हमने एक ऐसी सर्विसेज चालू की है कि जिसमें आप सिर्फ 99 रुपीज़ में आपका पासपोर्ट जो है हमसे बना सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे डिटेल्स डाला है, वहाँ पे जाओ डिटेल्स देखो और पूरा हेडेक दिमाग से निकाल के आप जो है वाओ ट्रैवल से अप्लाई कर सकते हो। तो जल्दी मैं आपको मिलूंगा विथ माई नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस।